11 मई आज है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिसको कि हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कहते हैं। 11 मई के दिन ही हम क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। सो बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। 11 मई के दिन हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। इसके पीछे मनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि आज ही के दिन दैट मीन्स 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में हमारे इंडिया में क्या है, एक सफल प्रशिक्षण किया गया था। किसके नेतृत्व में? हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, और उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने इसकी कमान संभाली थी। तो उन्होंने क्या है, सबसे पहला एक तरीके से कह सकते हो कि न्यूक्लियर टेस्ट वहां पर किया था। उससे पहले भी प्रयोग किया गया था, बट यहां पर एक सफल प्रयोग किया गया था। तो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, और उसी के बाद से इंडिया का न्यूक्लियर पावर बनाने वाली कंट्रीज में काउंट होने लगा था, दैट मीन्स कि न्यूक्लियर क्लब में एंटर कर चुका था। और उसी के बाद से क्या है, डॉक्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या अनाउंस कर दिया था कि हर साल 11 मई के दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत इसीलिए 11 मई 1999 को कर दी गई थी, हर साल मनाने की इसकी। इसके अलावा भी आज ही के दिन को लेकर दो और अहम चीज़ें हैं जो की गई थी। वो क्या था, DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम DRDO भी कहते हैं, इसने एक त्रिशूल नामक एक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया था। ठीक है ना, एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो कि इनके द्वारा छोड़ी गई थी। ठीक है ना, इसका प्रशिक्षण किया गया था। और इसके अलावा हंसा 3 एक एयरक्राफ्ट ने भी उड़ान भरी थी बेंगलुरु से। ठीक है ना, ये पहला एयरक्राफ्ट था भारत का। ठीक है ना, ये 2-सीटर एयरक्राफ्ट है, लाइट वेटेड है, और इसका यूज क्या एक तरीके से जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है, और इसके अलावा फोटोग्राफी जो होती है ना, हवाई फोटोग्राफी, उसके लिए किया जाता है, और पर्यावरण से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हंसा 3 जो एयरक्राफ्ट है उसने भी उड़ान भरी थी। तो इस वजह से ये दो चीजें भी हुई थी। हर साल क्या है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की कोई ना कोई थीम होती है, और इस साल की इसकी थीम क्या, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इस साल की थीम है। और इस थीम को लॉन्च किया है किसने, हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा क्या है, आज ही के दिन दैट मीन्स 11 मई के दिन क्या है, कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। द नेशनल अवार्ड फॉर सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। ठीक है, दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो भी अच्छे कार्य या फिर जो इनिशिएटिव लिए गए उनको देखते हुए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। इसमें 3 मेन कैटेगरी है, नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, MSME अवार्ड्स दिए जाते हैं, और स्टार्टअप अवार्ड्स दिए जाते हैं। इन तीन कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो कि न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना पोखरण में, इसी के बारे में। जो न्यूक्लियर टेस्ट जो कि पोखरण में किया गया था, इसको हम पोखरण 2 के नाम से भी जानते हैं, और इसका नाम ऑपरेशन शक्ति भी है। इसका ओरिजिनल नेम अगर हम देखें तो पहले क्या रखा गया था, ऑपरेशन शक्ति 98 के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, 11 मई को क्या है, इसका प्रशिक्षण किया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। उसके बाद 13 मई के दिन भी क्या है, 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। बेसिकली टोटल 5 कंडक्ट किए गए थे। क्लियर, और इसी के साथ क्या है, इंडिया 6 नंबर पर आ गया था उस कंट्री में, दैट मीन्स की 6 नंबर पर कंट्री है जिसने क्या है, जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो वहां अपने कंट्री में कर लिया था, सफल जो हुआ था। इससे पहले भी क्या है, जो पोखरण है वहां पर पोखरण 1 के नाम से और स्माइलिंग बुद्धा के नाम से एक और न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 1974 में पहली बार किया गया था, बट वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ था। और उस टाइम पीरियड पे कौन थी, इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो किसके बारे में हमने आज के दिन के बारे में जानी है। और इसी से रिलेटेड जो कि जो लिस्ट है कि किन किन को कौन से अवार्ड दिए गए हैं इस साल, उसकी लिस्ट भी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी इवनिंग तक। अगर आपको वो लिस्ट देखनी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।